नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि समग्र आईडी में केवाईसी कैसे चेक करते हैं। अगर आपने कहीं केवाईसी करवाई है, वो हुई है या फिर नहीं हुई है, आपको कैसे पता चलेगा, तो कंप्लीट वीडियो देखना। आप खुद से ही समग्र केवाईसी को चेक कर सकते हैं या फिर कंप्लीट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने फोन के अंदर कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का यूज करूंगा सारी प्रोसेस करने में। आप यहाँ पर गूगल का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना पड़ेगा समग्र। आपको यहाँ पे समग्र आईडी या फिर समग्र आपको लिख के सर्च कर देना है। मैं इस लिंक को दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस साइड पे पहुंच जाएंगे। समग्र लिखने के बाद आप फर्स्ट देख सकते हैं लिखा हुआ है समग्र पोर्टल। फर्स्ट लिंक आपको देखने को मिल रही होगी, जैसे कि मैंने बताया मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको इसकी फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इसकी फर्स्ट लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा महत्वपूर्ण जानकारी का। तो आपको इस कट वाले सिंबल पे क्लिक कर देना है। एक बार जैसे ही आप कट वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन कट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको यहाँ पे आना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें, तो आपको यहाँ पर समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परिवार आईडी, तो आपको यहाँ पर क्या डालना है दोस्तों, आपकी 8 अंकों की परिवार आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है। परिवार आईडी डालने के बाद आपको नीचे कैप्चर देखने को मिल रहा होगा, तो सही सही ये कैप्चर आपको इस बॉक्स में आपको यहाँ पर डाल देना है। कैप्चर डालने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें, तो आपको यहां पर समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही दोस्तों समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें पर क्लिक करते हैं तो आपको अपनी समग्र आईडी देखने को मिल जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम देखने को मिल रहा होगा समग्र आईडी का, सेकंड कॉलम आपको आधार नंबर का। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जिन जिन की केवाईसी हुई है तो यहाँ पे बता रहा है आधार कार्ड नंबर उपलब्ध है। जैसे कि यहाँ पे रितेश बंसल सबसे लास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है उपलब्ध नहीं है, तो इसकी केवाईसी नहीं हुई है। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर गोलू और पूजा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के यहाँ पे उपलब्ध लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे दोस्तों ये पता लगता है कि इनका आधार कार्ड समग्र आईडी से लिंक है, इनकी केवाईसी हो चुकी है। आप यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों समझ सकते हैं। अगर आपके भी समग्र आईडी में उपलब्ध लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी केवाईसी हो चुकी है। अगर आपकी समग्र आईडी में उपलब्ध नहीं है लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी केवाईसी नहीं हुई है, आपको केवाईसी करवाने की जरूरत है। खुद से केवाईसी कैसे करते हैं मैंने वो भी वीडियो बना के रखी है। अपने फोन से ही आप केवाईसी कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वो वीडियो देख के अपनी केवाईसी को कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, केवाईसी है या फिर नहीं है, कैसे चेक करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में।